वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी बजे है 6:30, अभी बजे 6:30 और पंप पे हम रुके हैं रिफिल करवाने, और हम जा रहे हैं लुनावाला। तो हम जा रहे हैं लुनावाला, हम जा रहे हैं लुनावाला। तो भाई हम पहुंच गए लाणावाड़ा, और बस जैसे उतरी नहीं तुरंत यहाँ वहाँ सब हो गए। और ये हमारा भाऊ, तो ये है लाणावाड़ा फॉरेस्ट एरिया। यहाँ पे एक वेल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा मनन भाई, हमारा खास मित्र। तो ये व्हील देखो, और ये ऊपर है हमारा दोस्त शरद। हेलो करो। और यहाँ से ये पूरी इतनी गहरी है। तो एकदम मस्त जगह है, एकदम अच्छी जगह है। और ये गुजरात तो टूरिज्म का प्लेस है, और ये फॉरेस्ट में आता है, और अच्छा अच्छी जगह है अभी। और अभी एटमॉस्फेयर भी एकदम अच्छा है। और यहाँ पे ये पूरी जगह है, और ये भी एक वेल है, और ये भी है, ये बहू की वेल है, और ये सामने दिख रही है वो सासू की वेल है। और ये पूरा देखो, पूरा फॉरेस्ट में है। तो हम दोनों ऐसी जगह पे जा रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है ऐसी जगह इधर कौन सा ये रास्ता जाता है, आगे देखते हैं। और यहाँ पे इतना बड़ा हाथी है, वो स्टैचू बनाया हुआ है, बल्कि रियल नहीं है। और ये बीच रास्ते में से जाते हुए, इधर ऐसा ही ये टंकी है, और ये ऊपर भी ये टंकी है। तो ये पानी, यहाँ से पानी ऊपर जाता है, फिर बाद में वहीं पे शिवलिंग पे गिरता है इधर। कुछ ही किया यहाँ से इधर।
sandstone in from the 12th century. Each side has short fight of five standing of down of lower aprons. The center fight on east side has a नीचे विथ इमेजेस नीचे विथ वाह 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 ये पढ़ लो ये सब पढ़ लो ये स्नाना घर है लवाना का कुंड लवाना हमारे ब्रेकफास्ट में है अभी बटाका पोहा और चाय और अभी के बजे हैं हमारा बड़ा दो ऊपर से अभी बजे हैं 11:30 और ये देखो साइड शटर में भाई पौवा इतना अच्छा लगा तो हम दूसरी बार लेने के लिए जा रहे हैं और देखो ये सब सारी डिश लेके जा रहे हैं मैं भी ये देखो ये सब भुक्कड़ है और यहाँ पे एक शंकर भगवान का मंदिर है वो मैं आपको दिखाता हूँ बहुत ही प्राचीन है बोले बाबू दर्शन कर दो पुराने पत्थर है जो मंदिर में यूज होने वाले थे यह मंदिर है यहाँ पे और यहाँ पे छोटी छोटी वेली है तो यहाँ पे जो पत्थर है तो ये यूज होने वाले थे पर ये अभी ऐसे ही पड़े और देखो कितने सारे पत्थर है ये सब कितनी सीढ़ी 108 पगतिया 108 हाँ कंप्लीट तो यहाँ से अभी 108 स्टेप है और वो चढ़ के जाएंगे और हमारे दो दोस्त आगे बढ़ रहे थक गए भाई हम तो और हम ऐसे सोच रहे हैं कि यहीं से जाए ये रास्ता अवॉइड करें
तो हमने शॉर्टकट यूज करके देखो ये आ गए ऊपर फाइनली। ये रहा यहाँ का खंडेर जो बहुत ही पुराना है। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, हम देख लेते हैं है क्या। कमेंट कीजिए। ये कुछ ऐसा है अभी। तो ये है भीमचौरी सदी का है, 14 से 15 सदी का ये बना हुआ है भीमचौरी। और यहाँ पे एक शिवलिंग है और ये रहा शिवलिंग। जो दिख रहा है ये वाला और ये वाला पैर है और भीम और हिडंबा का और ऐसी कुछ जगह है यहाँ पे। और ये जगह है ये। तो हम यहाँ से निकलते ही और ये छोटा सा रास्ता जाता है नीचे तक और कहाँ जाता है मालूम नहीं, बट हम जा रहे हैं। सीढ़ियों से जो दिखाया था वो सीढ़ियों से आने जाने का रास्ता है, पर ये जो रास्ता है वो ट्रैकिंग वाला रास्ता है, बट आई डोंट नो कहाँ जाता है। ले मैंने फाटा मैंने बीक लगा ले। और आज गर्मी बहुत है। और देखो ये खुला एरिया है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। और आगे चलते चलते